The trailer of Ajay Devgn and Emraan Hashmi starrer Baadshaho has been released, and it looks like the kind of film that is high on drama, swag and action-packed entertainment. The whole star cast of the film was present at the launch of the trailer. While interacting with media, stars also revealed that how this film is different from Milan Lutheria's previous action films Once Upon a Time in Mumbai and its sequel. इस फिल्म में एक्शन काफी रियलिस्टिक है और इस बार मेरा थोड़ा बहुत एक्शन विद्युत के साथ था तो बहुत मजा आया क्योंकि अगर सामने इंसान को बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक एक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स आई थिंक जो पहला डिस्कशन मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था कि जो फिल्म हम बना रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं सात साल के बाद तो एक एक्सपेक्टेशन होगा एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में जिस तरह की कहानी है एक तो एक हाइस्ट फिल्म है ड्रामेटिक है एक्शन है लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजुअल स्पिन दिया है ये मेरा सबसे स्पेशल फिल्म है आई थिंक मेरे करियर में सबसे होपफुली वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सो इट्स बीन एब्सोल्युटली मेमोरेबल एंड वेरी वेरी स्पेशल आई मीन ऑनेस्टली मेरे लिए द मोमेंट आई गॉट अ कॉल कि मिलन लुथरिया की फिल्म है तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है एंड मिलन सर ने जैसे हर एक को एक दो लाइनें का नरेशन दिया मुझे आई थिंक एक दो सेकंड का नरेशन दिया एंड आई वाज सोल्ड ऑन इट प्लस फिल्म इतनी बड़ी है फॉर समवन लाइक मी आई जस्ट थॉट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला दुआ में याद रखना इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं तो लोग याद रखेंगे सो होपफुली जब फिल्म 10 साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे अरे वो उस मूवी का एंड आई विल बी लाइक हाँ वो मेरी फिल्म का था तो इसीलिए मैंने फिल्म की